साथियों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल GNC नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम का MSN चल रहा है और जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लिवर चिरोसिस। सबसे पहले लिवर चिरोसिस की डेफिनेशन जानेंगे, क्या होता है लिवर चिरोसिस। इट इज डिफाइंड एज परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स हिपेटोसाइट्स और नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल और लिवर सेल और टिश्यू विथ स्कार फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है? लिवर के सेल का, लिवर के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाना, नेक्रोसिस हो जाना और स्कार फॉर्मेशन हो जाना, और लिवर के अंदर स्कार का फॉर्मेशन हो जाए, उस कंडीशन को क्या 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 कहते हैं? लिवर चिरोसिस। सबसे पहले जानेंगे नेक्रोसिस क्या होता है। एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है डिजनरेशन। डिजनरेशन एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है डिजनरेशन। नेक्रोसिस का मतलब होता है इरिवर्सिबल सेल डेथ। क्या होता है? इरिवर्सिबल सेल डेथ। इसके अंदर क्या होता है? सेल होता है और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर। और नेक्रोसिस के अंदर सेल का डैमेज हो जाना किसके साथ? इस न्यूक्लियस के साथ, या न्यूक्लियस भी इसके अंदर डेथ हो गई, न्यूक्लियस की भी डेथ हो गई और सेल की भी डेथ हो गई। तो ये ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? नेक्रोसिस कहलाएगी। अगर इस न्यूक्लियस का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, अगर न्यूक्लियस का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके बाद उस सेल का पर्टिकुलर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, या वो सेल फिर से रीजनरेट नहीं कर सकती, वो सेल्स फिर से जिंदा नहीं हो सकती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं नेक्रोसिस। ये इरिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिस्ट्रक्शन हो गया है। नेक्स्ट होता है डीजनरेशन। डीजनरेशन का मतलब होता है ये सेल कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, ये जो सेल है इसका कंप्लीट ये डैमेज नहीं हुई है। इसका क्या होता है? केवल ये सेल सेल ये कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं और जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस रिमेन लाइव रहता है, ये इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ रहता है। तो होता क्या है, ये जो डीजनरेशन है इसमें सेल डेथ होती है। सेल डेथ ये कैसी कंडीशन होती है? रिवर्सिबल कंडीशन होती है, रिवर्सिबल कंडीशन। तो हमने देखा यहां पर नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल और लिवर टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब होता है इरिवर्सिबल, यानी यहां पर सेल का डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, वो इरिवर्सिबल है, फिर से वो सेल फिर से नहीं बन सकती है। और किसके साथ? स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन का मतलब होता है जब भी नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर हीलिंग होती है, हीलिंग के बाद उसके ऊपर एक ब्लैक कवरिंग आ जाती है, जब हीलिंग होती है पर्टिकुलर किसी एरिया पर अपने स्किन पर, और स्किन के बाद सबसे ऊपर ही उसी उंड पर क्या होता है? एक ब्लैक कवरिंग आ जाती है, ब्लैक एक परत आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। कभी कभार वो ब्लैक कवरिंग अपने आप हीलिंग के बाद, कंप्लीट हीलिंग के बाद अपने आप ये स्कार हट जाता है, या कभी कभार हटा देते हैं अपने आप पर्टिकुलर उसी तरह स्किन पाने के लिए। तो क्या होता है? स्कार होता है। अगर इस लिवर के अंदर अगर टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाए, जितनी भी टिश्यू है सारी डिस्ट्रक्ट हो जाए और सारी डैमेज हो जाए, या सारी टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाए, सारी डैमेज इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए, जिसका फिर से पुनः दोबारा वो ना बन सके, विथ स्कार फॉर्मेशन, उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाए? इस ब्लैक ये ब्लैक जो कवरिंग है, ब्लैक ये पैचेज है, इसका फॉर्मेशन अगर इसके अंदर हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है लिवर चिरोसिस। अब कैसे होती है, इसके टाइप क्या है, सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां हमने देखा इट इज इरिवर्सिबल, क्योंकि यहां पर क्या डैमेज हो गया है? यहां पर न्यूक्लियस डैमेज हो गया, ये होता है नेक्रोसिस। दूसरा होता है डीजनरेशन। डीजनरेशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये पर्टिकुलर डैमेज नहीं होते हैं, जिसके कारण ये फिर से सेल फिर से रीजनरेट हो सकती है। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर न्यूक्लियस का भी डिस्ट्रक्शन हो गया, इरिवर्सिबल के अंदर। रिवर्सिबल के अंदर न्यूक्लियस का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, इट इज, ये लिख सकते हैं इट इज इरिवर्सिबल कंडीशन, इरिवर्सिबल कंडीशन, क्योंकि अभी जस्ट किया नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का भी डैमेज हो जाता है, उसके कारण ये जो कंडीशन होती है लिवर सिरोसिस वाली वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार इसका डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होती है, वो दोबारा वो हील नहीं हो सकती है, दोबारा वो ठीक नहीं हो सकती है। जनरल बात करें अपने स्किन के ऊपर, अगर वहाँ पर ट्रॉमा इंजरी या किसी प्रकार की अगर सेल डेथ हो गई, तो पर्टिकुलर आसपास की जो सेल्स होती हैं उसका डिवीजन होकर के पर्टिकुलर जो उंड होता है उसका हील हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर क्या हुआ है, जो बगल वाली सेल है, बगल वाली क्या हुआ है, सेल यहाँ पर डिवाइड होकर पर्टिकुलर किसी भी एरिया को भर देती हैं, यानी उंड की हीलिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हुआ है, और स्कार फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जितनी भी ब्लड सप्लाई थी, ब्लड सप्लाई भी इंटरप्ट हो गई है। जब ब्लड सप्लाई किसी भी सेल टिश्यू ऑर्गन के लिए इंटरप्ट हो जाएगी तो पर्टिकुलर उसमें मिलने वाला परफ्यूजन खत्म हो जाएगा और वहाँ पर डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाएगी, या उस सेल का जो काम होता है पर्टिकुलर उसका सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी एनाटॉमी उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी। वो कंडीशन क्या कहलाती है, लिवर सिरोसिस के अंदर वो आती है। ये कौन सी कंडीशन है, इरिवर्सिबल कंडीशन है। नेक्स्ट बात करें अपने बॉडी के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कि एक बार अगर सेल का टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया कि दोबारा वो नहीं बनती हैं, जैसे बात करें मायोसाइट या कार्डियक मसल, मायोसाइट्स, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स, नेक्स्ट होता है इस लीवर के अंदर लीवर सेल या हिपेटोसाइट। हमने जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर देखा था क्या हो रहा था, वहां पर हो रहा था कि अगर मायोसाइट्स डिस्ट्रक्शन या मसल्स का, कार्डियक मसल्स का डैमेज हो रहा था, वहां पर नेक्रोसिस, वहां पर अगर इन्फार्क्शन हो जा रहा था, तो उस कंडीशन में फिर से जो मायोसाइट्स थी वो फिर से रीजनरेट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां पर इन्फार्क्शन हो जाता था, वहां पर नेक्रोसिस हो जाता था। नेक्रोसिस में क्या हुआ कि वहां पर भी जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस था वहां पर भी डैमेज हो रहा था, और डैमेज होने के कारण जो पर्टिकुलर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के, यहाँ पर डिवीजन हो करके हीलिंग होती थी वो नहीं हो पाती थी। दूसरा कारण देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल की यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, किस प्रकार से सेल यहाँ पर कह सकते हैं आगे या डिवीजन करके आगे पूरा हिपेटोसाइट, सॉरी पूरा यहाँ पर मायोसाइट्स बनाती हैं, ये फ्रॉम इमेच्योर टू मेच्योर। पहले सेल इमेच्योर होती हैं, इमेच्योर से मेच्योर की ओर बढ़ती हैं। और मान लीजिए पर्टिकुलर इसके अंदर 100 सेल हैं, मायोसाइट्स के अंदर 100 सेल हैं, और 100 सेल मेच्योर है, क्या है, मेच्योर है। अगर पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो क्या होता है, मान लीजिए इसके अंदर से 10 सेल डैमेज हो गई, कितनी सेल, 10 सेल डैमेज हो गई, जो कि क्या थी, मेच्योर थी। इस मेच्योर सेल का फिर से डिवीजन की स्टेज में फिर से सेल डिवीजन इसकी नहीं हो सकती है, इसकी सेल डिवीजन वहीं तक हो सकती है जब ये इमेच्योर हो। जब मायोसाइट्स इमेच्योर रहती हैं तब तक इसका सेल डिवीजन पॉसिबल है, जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो इसका सेल डिवीजन होना पॉसिबल नहीं होता है। तो सेल डिवीजन में अभी बात करें, 100 सेल में से 10 सेल क्या हो गई, डैमेज हो गई। जब 10 सेल डैमेज हो गई तो फिर से क्या ये फिर से डिवीजन कर सकती हैं, नहीं डिवीजन कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। कुछ व्यक्ति में ऐसा होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के बाद जो सेल्स होती हैं पर्टिकुलर उस जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ रहता है उसको हील कर लेती हैं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए 100 सेल क्या है, 100 सेल हैं, उसके अंदर 90 सेल क्या है, ये मेच्योर हैं, 90 सेल मेच्योर हैं, और जो 10 सेल हैं वो इमेच्योर हैं, और जो इमेच्योर 10 सेल हैं, 10 सेल मान लीजिए उनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के बाद जो 10 सेल इमेच्योर थी, और यहाँ पर भी क्या हुआ है, 10 सेल का क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है।
मान लीजिए 10 सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ है और 10 सेल यहां पर इमेच्योर अवस्था में थी। अब ये 10 सेल जो इमेच्योर अवस्था में है, ये इसका क्या होगा, अब ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जब ये 10 सेल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर जाएंगी तो पार्टिकुलर हीलिंग करा सकती हैं और ये कंडीशन रिवर्सिबल हो सकती है। यानी कुछ ही पेशेंटों, बहुत ही कम रेयर पेशेंट्स में, रेयर कंडीशन में जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा सही हो सकता है, बाकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये भी इरिवर्सिबल कंडीशन है। कैसी है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कंडीशन, ये भी इरिवर्सिबल कंडीशन है। नेक्स्ट बात करें, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, अगर एक बार इसका डिस्ट्रक्शन हो गया, अगर न्यूरॉन्स का एक बार डिस्ट्रक्शन हो गया तो इसके अंदर फिर से सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एब्सेंट होता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, अगर सेंट्रियोल्स पर्टिकुलर किसी भी सेल्स में अगर एब्सेंट होगा तो उसका सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर सब में सेंट्रियोल्स होते हैं, सिर्फ नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। एक होता है हिपेटोसाइट्स, अभी जैसे कि यहां पर डिस्कस किया, हिपेटोसाइट्स के अंदर क्या हुआ है, स्कार का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्कार का फॉर्मेशन का मतलब यहां पर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई है। अगर जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई तो पर्टिकुलर किसी भी पार्ट की हीलिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो हिपेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है, अगर स्कार का फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पर हिपेटोसाइट्स डैमेज हो जाए या नेक्रोसिस हो जाए, उस कंडीशन में भी इस सेल की हीलिंग होना पॉसिबल नहीं है। ये कैसी कंडीशन है? ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो ये हो गई कुछ इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी जो टाइप है वो इटियोलॉजी पर डिपेंड है। According to etiological factor, it is classified in four type. कितने प्रकार में classified किया गया है? चार प्रकार में classified किया गया है according to the etiology. Etiology. And type. इटियोलॉजी एंड टाइप। तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है और वो एक्सेसिव अमाउंट में करता है, अगर कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का इंजेक्शन कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है और लंबे समय से और ज्यादा मात्रा में कर रहा है, उस समय क्या होगा कि जो लीवर है, लीवर के कुछ सेल या मोस्टली सेल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि जो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पर होता है, वो लीवर में होता है। जब लीवर में अल्कोहल का कंजप्शन होता है तो पर्टिकुलर लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ज़्यादा काम करना पड़ता है इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके द्वारा एंजाइम का सिक्रेशन करना पड़ता है। अगर पर्टिकुलर इसी तरह लगातार 10 साल तक ज़्यादा अमाउंट में या लंबे टाइम तक अगर अल्कोहल का कंजप्शन किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के द्वारा किया जाएगा तो इसकी सेल डैमेज हो जाएंगी और ये बन जाएगा फैटी लीवर। कैसे हो जाएगा? फैटी लीवर हो जाएगा। तो पहला कारण लिख सकते हैं, जो लीवर चिरोसिस का कारण है वो किसका कारण है? अल्कोहलिक का। यहां पर लिख सकते हैं अल्कोहलिक चिरोसिस। पहला टाइप कौन सा है? अल्कोहलिक चिरोसिस। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर चिरोसिस। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है लीवर चिरोसिस का। नेक्स्ट बात करें, ये कब होता है? अगर पेशेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा ज्यादा या लंबे टाइम तक और ज्यादा कंजप्शन अगर अल्कोहल का किया जाता है, उसके कारण होने वाला जो चिरोसिस होता है वो क्या होता है? अल्कोहलिक चिरोसिस। इसमें क्या हो जाता है? फैटी लीवर हो जाता है। क्यों? इसके द्वारा ज़्यादा काम किया जाता है, ज़्यादा एंजाइम का सेक्रेशन किया जाता है पर्टिकुलर अल्कोहल को अब्जॉर्ब करने या मेटाबोलाइज कराने के लिए। तो ये हो गया अल्कोहलिक चिरोसिस। नेक्स्ट होता है पोस्ट नेक्रोटिक चिरोसिस। ये क्या होता है? किसी भी पेशेंट में हिपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, हिपेटाइटिस बी सी डी, अगर पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये हिपेटाइटिस का इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है, उसके कारण
पोस्ट नेक्रोटिक चिरोसिस हो सकता है, इसमें इंजरी, कोई भी इंजरी या इसके अंदर हिपेटाइटिस के हिपेटाइटिस बी सी डी होने के कारण जो होने वाला चिरोसिस है वो कौन सा चिरोसिस होता है, पोस्ट नेक्रोसिस चिरोसिस, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पहला क्या होगा, एल्कोहलिक चिरोसिस, नेक्स्ट हो गया पोस्ट नेक्रोटिक चिरोसिस, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर तीसरा, तीसरा होता है इसके अंदर बिलियरी चिरोसिस का मतलब है पर्टिकुलर कोई पेशेंट है और वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है और उसकी बिलियरी सिस्टम के अंदर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, किसी भी अगर बिलियरी सिस्टम में कहीं पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण अगर पर्टिकुलर इसके अंदर से यानी लीवर के अंदर से निकलने वाला जो चोकी होता है बाइल, अगर अच्छे से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ पर पीछे से क्या होगा, फिर से यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, लीवर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और लीवर के अंदर प्रेशर बढ़ने कारण ये एक साल दो साल के अंदर नहीं होता, अगर पर्टिकुलर ये कंडीशन डेवलप होती रहे, अगर ये 5 साल 10 साल 20 साल तक ऐसी कंडीशन अगर किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर बनी रहती है तो उसके कारण होने वाला जो नेक्रोसिस होता है या इसके अंदर होने वाला जो चिरोसिस या इसके अंदर जो लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो इसके कारण होने वाला डैमेज क्या कहलाता है, लीवर चिरोसिस, और वो भी बिलियरी चिरोसिस। तो यहां पर ले सकते हैं ड्यू टू किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू कोलिडोकोलीलिथियासिस, ड्यू टू कोलिडोकोलीलिथियासिस, और इसमें हो सकता है कोलीलिथियासिस, ड्यू टू कोलिडोकोलीलिथियासिस, कोलिडोकोलीलिथियासिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द बाइल डक्ट, अगर बाइल डक्ट के कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, कोलिडोकोलीलिथियासिस। नेक्स्ट होता है कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होने की कंडीशन को अपन कहते हैं कोलीलिथियासिस, और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कोलिडोकोलीलिथियासिस। अगर ये यहां से निकलने वाली जो पर्टिकुलर डक्ट है ये क्या हो गई, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर यहां पर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है जिससे कि निकलने वाला बाइल अगर नहीं निकल पा रहा अच्छी तरीके से, क्या होगा, पीछे प्रेशर बढ़ेगा और इस लीवर के अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ की सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ की सेल नेक्रोसाइज्ड हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, बिलियरी चिरोसिस। नेक्स्ट होता है कार्डियक चिरोसिस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर लीवर का डैमेज हो रहा है, लीवर की सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसके कारण, हार्ट के कारण, यानी भी किसी भी हार्ट में अबनॉर्मलिटी के कारण अगर लीवर के अंदर की सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेक्रोसाइज्ड हो रहा है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कार्डियक चिरोसिस। और मोस्टली हार्ट में राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, लीवर की समस्या बढ़ती है जिसके कारण होता है, राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो इन्फीरियर बेना काबा होती है, इन्फीरियर बेना काबा का प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते अगर कहाँ आता है, इन्फीरियर बेना काबा नीचे फिर से ये किस में खुली है, ये हिपेटिक वेन में प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद लीवर के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा और उसके बाद किस में बढ़ेगा, पोर्टल वेन में बढ़ेगा, जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है और इसमें होने वाला डिस्ट्रक्शन वो क्या कहलाता है, लीवर चिरोसिस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट से नहीं होगा, लेफ्ट से अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो सिर्फ व सिर्फ लंग्स पर जाता है, और अगर राइट हार्ट फेलियर है तो पूरे जनरल सर्कुलेशन में
वो प्रभाव उसका दिखाता है। जैसे अगर लीवर फेल, यहाँ पर हिपेटोमेगाली हो सकता है, स्प्लिनोमेगाली हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, एसोफेजियल वेरिसेस हो सकता है, हिमैटेमेसिस हो सकता है, ये सारी कंडीशन राइट हार्ट फेलियर के अंदर डेवलप होंगी। तो ये क्या होता है, कार्डियक सिरोसिस, क्योंकि यहाँ पर कार्डियक की प्रॉब्लम की वजह से किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर लंबे समय तक राइट हार्ट फेलियर का पेशेंट है और उसके कारण होने वाली जो लीवर में समस्या है, इसके अंदर पर्टिकुलर इसका सेल अगर डैमेज हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहलाएंगी, कार्डियक सिरोसिस कहलाएगी। ये हो गई टाइप एंड इटियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या देखेंगे, अगर ये लीवर है और लीवर का फंक्शन क्या होता है, अभी इसके बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहां पर बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा। यहां पर क्या हुआ है, पेशेंट का 40% जो लीवर है वो क्या हो गया है, वो डैमेज हो गया है। 40% लीवर क्या हुआ है, डैमेज हो गया है। अब उसमें क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले एल्बुमिन, एल्बुमिन की जो मात्रा है वो डिक्रीज हो जाएगी। और एल्बुमिन क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उसका सिंथेसिस और इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, उन सारी प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस एंड स्टोरेज लीवर के अंदर होता है। अगर उसमें 40% हिस्सा अगर डैमेज हो गया है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है जनरली उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली किसका हो रहा है, एल्बुमिन का हो रहा है। और प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और नेक्स्ट फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ये क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, और इनका सिंथेसिस और स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है, लीवर के अंदर किया जाता है। अगर 40% हिस्सा अगर डैमेज हो गया है, तो इसमें जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन का जो काम है या इसका अमाउंट है ये कम हो गया है, तो उसका काम भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं जो एल्बुमिन होता है, इसका काम होता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। होता क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर नॉर्मल सेल है, इसके बाहर ये क्या है, वेसल्स हैं, यहां पर क्या है, कैपिलरी है। कैपिलरी में क्या होता है, यहां से क्या हुआ, यहां से प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और यहां पर आने के बाद ये किसके लिए आया है, पर्टिकुलर जो बगल बगल की सेल है इनको क्या मिल जाए, यहां पर परफ्यूजन मिल जाए। तो यहां से लगाया जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और पर्टिकुलर इसमें का सारा न्यूट्रिएंट्स जितना रहता है किसमें चला जाता है, पर्टिकुलर सेल में, इसको ऑक्सीजन इसमें इसके लिए चला जाता है, सेल्स के लिए पर्टिकुलर इसको क्या करना है, डेली रूटीन एक्टिविटी करनी है। और उसके बाद जाने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का, सेल का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किस में आना होता है, वो आना होता है इस इंट्राबेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, इंट्राबेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर आना होता है। तो आने के लिए किसका प्रेशर लगाना पड़ता है, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर इज मैंडेटरी फॉर दी कमिंग बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंट्रास्टिशियल स्पेस टू इंट्राबेस्कुलर कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से इस वेस्कुलर के अंदर जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है सारा सब कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बेस्ट प्रोडक्ट इस सेल के द्वारा बनाया गया है उसका इस वेसल्स के अंदर आना कौन काम कराता है, ऑनकोटिक प्रेशर का काम है। तो यहाँ पर एल्बुमिन के द्वारा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कराया जाता है। अगर ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम रहेगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर इसमें से इंटरस्टिशियल स्पेस से अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम रहेगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस से आने वाला जो फ्लूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आने वाला फ्लूड कम हो जाएगा तो पर्टिकुलर इसमें क्या देखने को मिलेगा, एडिमा, एडिमा देखने को इसके अंदर मिलेगा। तो यहां पर ऑनकोटिक प्रेशर कम है जिसके कारण हमें देखने को मिल रहा है एडिमा,
एडिमा, और एडिमा कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, ये पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है एंकल पर, एंकल एडिमा, या ये जनरलाइज एडिमा, पूरे बॉडी में एडिमा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पर्टिकुलर ऑनकोटिक प्रेशर होता है ये इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से इंटरवेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड का या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सबका लाने का काम करता है। और जब ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा होगा, जब यही होता है, क्या होता है एडिमा। एडिमा का मतलब होता है डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर एंड इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक। मोस्टली नॉर्मली क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पर सामान्य है या अपने कांस्टेंट स्थिति में है और दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है, तो कम होने के कारण यहाँ से इंट्रास्टिशियल स्पेस से इस वेस्कुलर के अंदर क्या होगा, फ्लूड का नहीं आ पाएगा, फ्लूड नहीं आ पाएगा इसके अंदर, वेस्कुलर के अंदर। उसी को हम क्या कह रहे हैं, एंकल एडिमा या एडिमा कह रहे हैं। ये देखने को कहाँ मिलेगा, एंकल एडिमा देखने को मिलेगा या जनरलाइज एडिमा, जनरलाइज एडिमा। इसको क्या कहते हैं, एनासार का का मतलब होता है जनरलाइज एडिमा। नेक्स्ट देखने को मिलता है पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा यहां पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखने को मिल सकता है यहां पर रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम होने के कारण रेस्पायरेटरी सिस्टम के या रेस्पायरेटरी लंग्स के चारों ओर क्या हो सकता है, फ्लूड का कलेक्शन हो सकता है, जिसके कारण रेस्पायरेशन में भी डिफिकल्टी हो सकती है, उसके में भी उसका भी फंक्शन क्या हो सकता है, इंपेयरमेंट हो सकता है, जिसलिए हमने क्या लिख दिया, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हमने देखा था कि ग्लोबुलिन की भी जो मात्रा है वो भी कम हो रही थी। कहने का मतलब, अगर ग्लोबुलिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो एंटीबॉडी है पर्टिकुलर अपने बॉडी के लिए वो नहीं बन पाएंगी, जो बॉडी के लिए एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगी तो क्या होगा, पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं पर्टिकुलर ग्लोबुलिन नहीं हो पाएगा, बन पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इन्फेक्शन के चांस अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा रहेंगे, इन्फेक्शन चांस ऑफ इन्फेक्शन, चांस ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा चांस ऑफ इन्फेक्शन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं बिलरुबिन इंक्रीज लेवल ऑफ बिलरुबिन, बॉडी के अंदर नॉर्मली जो बिलरुबिन का लेवल है वो कितना होता है, 0.32 1.2 mg/dl, mg/dl ये क्या होता है, ये इसका जनरल या नॉर्मल वैल्यू है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या होगा, अगर बिलरुबिन का लेवल अगर बॉडी के अंदर बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, जो स्क्लेरा का कैसा कलर रहेगा, येलो रहेगा। और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, नॉर्मली जॉइंटिस देखने को मिलेगा, जॉइंटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि स्प्लीन, स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, और आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो इसमें का वेस्ट प्रोडक्ट एल्ब्यूमिन होता है, जो कि होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट ये कहाँ जाता है, ये जाता है लीवर के लिए, और यहाँ से ले जाने वाला कौन होता है, एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन, क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। अगर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर सबसे पहले क्या कम हो रहा था, एल्बुमिन, तो यहाँ से बिलरुबिन को उठाकर ले जाने वाला कौन सा प्रोटीन कम है, एल्बुमिन कम है, तो यहाँ से ले जाने वाला प्रोटीन अगर कम रहेगा तो यहाँ से जाने वाला जो बिलरुबिन है वो भी कम हो जाएगा, तो इसका किसका लेवल बढ़ सकता है, इनडायरेक्ट का बढ़ सकता है, इनडायरेक्ट बिलरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। और यहाँ पर जाने के बाद वो डिपेंड करता है कितना लीवर का डैमेज हुआ है, अगर 40 से 50% लीवर का डैमेज हुआ तो वहाँ पर दोनों में से कोई भी यहाँ पर दोनों में से कोई भी, यानी बिलरुबिन में चाहे डायरेक्ट का हो लेवल, चाहे इनडायरेक्ट, दोनों में से किसी का भी लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लीवर में आने के बाद लीवर का काम होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड, ये क्या काम करता है, ये बिलरुबिन का कंजुगेशन करता है, और कंजुगेशन करने के बाद उस बिलरुबिन को
इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाता है, और जो पर्टिकुलर यूरोबिलरोजन और स्टर्को बिलनोजन से अपने स्टूल से बाहर उस बिलरुबिन को करता है। तो हमने देखा यहाँ पर इसका काम क्या होता है, कंजुगेशन काम होता है। अगर इसकी सेल्स की, अगर लीवर की सेल डैमेज हो गई है तो क्या कंजुगेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब लीवर द्वारा कंजुगेशन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होगा, लीवर की सेल डैमेज होने के कारण जो किसका लेवल है, जो बिलरुबिन का लेवल है, ये बढ़ जाएगा और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बाइल जूस या बाइल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मली इसका काम क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन करना। जो लीवर होता है, लीवर का काम क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन करना, बाइल का सिंथेसिस करना। अगर इसके अंदर, लीवर के अंदर अगर बाइल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो पर्टिकुलर जितना भी बाइल का काम है वो क्या होगा, इंटरप्ट होगा। बाइल का क्या काम होता है, ये काम होता है नॉर्मली इमल्सिफिकेशन करना। अगर बाइल फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं करेगा तो क्या फैट डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और पर्टिकुलर यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनडाइजेशन होगा और एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को ले, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्टेटोरिया मतलब इनडाइजेस्टेड फैट प्रेजेंट इनटू द स्टूल के अंदर इनडाइजेस्टेड फैट का प्रेजेंट होना उस कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेटोरिया। ये सारी कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर बाइल का जो बाइल है वो कम होगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखने को मिलेगी, अब इसी से यानी जो बाइल है, बाइल से क्या होता है, जो फैट होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है और इसी से यहाँ पर क्या होता है, फैट सोल्युबल विटामिन होती है जो कि यहाँ पर स्टोरेज रहता है, यानी लीवर के अंदर क्या होता है, ADEK। अगर फैट का अब्जॉर्प्शन ही होगा तो क्या इसके अंदर फैट सोल्युबल विटामिन का सिंथेसिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर फैट सोल्युबल विटामिन का सिंथेसिस और स्टोरेज फैट के इस लीवर के अंदर नहीं हो पाएगा तो जो इसके सारे अबनॉर्मल हैं वो इम्पेयरमेंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मिल सकता है ब्लीडिंग टेंडेंसी। अगर एक बार थोड़ा सा भी कट लग गया तो क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, विटामिन के नहीं है, फैट सोल्युबल विटामिन नहीं है। के का क्या काम होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अगर पूरे की बात की जाए तो जो लीवर होता है, लीवर के अंदर जितनी भी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं सबका निर्माण होता है। जहाँ बात की जाए 2, 7, 9, 10 या 1 से लेकर पूरे 12 या 13 तक पूरे सबका क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर सबका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। अगर लीवर में डैमेज हो गया है तो वहाँ पर क्या होगा, जो क्लोटिंग टाइम वो बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग टाइम वो बढ़ जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या हो जाएगा, पीटी बढ़ जाएगा और INR भी यहाँ पर क्या मिलेगा, बढ़ा मिलेगा। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के। यहाँ पर अभी देखा क्या कि यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर की कमी है। अगर क्लोटिंग फैक्टर की कमी रहेगी क्योंकि यहाँ पर लीवर का डैमेज हो गया है और सारे क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। अगर लीवर के जो फंक्शंस है वो इम्पेयरमेंट हो गए क्योंकि यहाँ पर 40% डैमेज हो गया है तो क्या होगा, पर्टिकुलर क्लोटिंग अगर किसी भी जगह पर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी जो टाइमिंग है यानी ब्लीडिंग का टाइमिंग है वो बढ़ेगा और क्लोटिंग का भी टाइम वो बढ़ जाएगा और PT INR का भी टाइम बढ़ जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे लेकिन यहाँ पर तीनों का लेवल बढ़ा मिलेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्स
डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारी मेडिसन्स हैं जिसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर के अंदर जो होता है, जैसे पीसीएम, पैरासीटामोल, डेक्लोफेनेक, ये क्या होता है, ये दोनों एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिस मेडिसिन है। ये क्या है, एंटीपायरेटिक और ये क्या है, एनाल्जेसिस मेडिसिन है। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर सेल के अंदर होता है। अगर लीवर सेल इसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगी तो अपने अंदर ब्लड का जो टॉक्सिफिकेशन है वो बढ़ जाएगा, यानी अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगी इस सेल के या लीवर से, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा जिसके अंदर अपने ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाएगा जो कि बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज़ वो करेगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं, वो ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन की फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, बहुत सारे बॉडी को डिस्टर्बेंस कर देगा, उसकी फिजियोलॉजी वो उसमें चेंज कर देगा। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन इम्पेयरमेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर मोस्टली क्या चलती है, यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल क्या इसके अंदर चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हिपेटोसाइट्स हैं, हिपेटोसाइट्स क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो क्या होगा, यूरिया साइकिल नहीं चल पाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, अमोनिया का किस में नहीं कन्वर्सन हो पाएगा, यूरिया में। और ये अमोनिया कहाँ से आता है, नॉर्मली क्या हम खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, और इसका जो सबसे छोटा फॉर्म होता है वो होता है अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड डाइजेस्ट होता है अपनी बॉडी के अंदर, जब ये ब्लड सेल्स के अंदर जब जाता है, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के होने के बाद इसका जो बेस्ट प्रोडक्ट वो बनता है, क्या होता है, वो नाइट्रोजिनस बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और उसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। अब अमोनिया ये कहाँ पर जाएगी, अब यहाँ पर जाएगी लीवर के अंदर अमोनिया जाएगी। अब वहाँ पर क्या होगा, यूरिया साइकिल चलेगी। यूरिया साइकिल से क्या होता है, जो मोस्टली अमोनिया होता है, अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है अपनी बॉडी के लिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब ये क्या होता है, जब अपने ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ेगा, जब इसका अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेवल बढ़ेगा, तो ये कॉज करेगा हिपेटो इंसेफेलोपैथी कॉज करेगा। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, जैसे इसमें डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मली अमोनिया का लेवल बढ़ जाने से हिपेटो इंसेफेलोपैथी डेवलप होगी, जिसके अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा और क्या होगा, हेडेक होगा। ये सारी चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो अमोनिया होती है क्या करती है, नॉर्मली अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने के बाद किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी अपने ब्रेन में जाने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकती है, जिसके अंदर क्या होगा, यही अमोनिया क्या करती है, ये जो गैंग्लियन के फंक्शन है अपनी किसके अंदर, गैंग्लियन के फंक्शन अपने ब्रेन के अंदर, उसको डैमेज कर देगी। जब ब्रेन के गैंग्लियन को डैमेज कर देगी, तो नॉर्मली जो गैंग्लियन के फंक्शन है उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और ये क्या करती है, न्यूरॉन को इरिटेट करती है नर्वस सिस्टम को, या न्यूरॉन को इरिटेट करती है, जिसमें अपने फिंगर्स के मूवमेंट हैं, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, उसमें ज़्यादातर या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, ट्रीमर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर, अमोनिया अगर ब्रेन के अंदर चली जाती है तो ये सारी कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर हिपेटो रीनल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, हिपेटो रीनल सिंड्रोम में नॉर्मली क्या, अभी देखा कि यहां पर, यानी लीवर में क्या होता है, यहां पर एक पर्टिकुलर
यहां से एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन का जो सिक्रेशन करता है कौन करता है? लीवर करता है। और ये लीवर क्या करता है? थ्रोम्बोपोएटिन ये मेगा कैरियोसाइट जो कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोन की होती है, इसको क्या करता है? ये थ्रोम्बोपोएटिन निकल करके मेगा कैरियोसाइट को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करता है किसको लिए? इसको स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहां पर देखा गया है अगर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन अगर इसके अंदर नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या यहां पर देखने को मिलेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी प्लेटलेट्स के नंबर कम होने के साथ साथ यहाँ पर अनीमिया भी मिलेगा। अनीमिया वो कैसे मिलेगा? अब उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले देखा था कि अगर बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अगर बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यही अमोनिया जा करके किसके लिए? किडनी में। यही अमोनिया जब किडनी में जाएगा तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर जो एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसका नाम है यहां पर लिख देते हैं नेफ्रॉन। जो इसकी फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन को कौन डैमेज कर देगा? अमोनिया इस नेफ्रॉन को डैमेज कर देगी। जब नेफ्रॉन को अमोनिया के द्वारा डैमेज किया जाएगा तो जो नेफ्रॉन से निकलने वाला पर्टिकुलर एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है? इसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? इरेथ्रोपोएटिन। ये इरेथ्रोपोएटिन है। यहां से पर्टिकुलर किडनी से क्या निकलता है? इरेथ्रोपोएटिन। अगर इस अमोनिया ने अगर यहाँ पर किडनी के फंक्शन को इम्पेयरमेंट कर दिया है, अगर नेफ्रॉन को वहाँ पर डैमेज कर दिया है, तो पर्टिकुलर उससे निकलने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन, अगर इरेथ्रोपोएटिन नहीं निकलेगा तो क्या ये बोन में जाकर ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट कर पाएगा? जब ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो क्या यहाँ पर, कहने का मतलब जो अपनी बोन है, बोन में आरबीसी का प्रोडक्शन होगा? जब आरबीसी का प्रोडक्शन इसके द्वारा यानी थ्रोम्बोपोएटिन स्टिमुलेट नहीं कर पा रही है बोन के सेल को या ओस्टियोब्लास्ट को, तो क्या यहाँ पर इसको आरबीसी यहाँ से प्रोड्यूस होगी? जब यहाँ पर आरबीसी नहीं प्रोड्यूस होगी तो इसके अंदर किसके कमी रहेगी? आरबीसी कमी रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा आरबीसी कमी भी है, यहाँ पर प्लेटलेट्स की कमी भी है, तो क्या यहाँ पर होगा? अगर पर्टिकुलर इसमें पूरा देखा जाए तो इसके अंदर आता है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स की कमी, आरबीसी की कमी और डब्ल्यूबीसी कमी, तीनों अगर कमी बॉडी के अंदर हो जाती है उसे कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। मोस्टली क्या देखने को मिला? सबसे ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके बाद अनीमिया के अंदर पैनसाइटोपिनिया, तीनों देखने को इस कंडीशन ये मिलती है। तो ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में और यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है अगर इसके अंदर और बात करें तो। अनीमिया देखने को मिला, इनडाइजेशन देखने को मिला और PTCT और INR ये सारे लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा था पेशेंट के अंदर एल्बुमिन की कमी थी, जब एल्बुमिन कम होगा तो ओनकोटिक प्रेशर क्या होगा? ओनकोटिक प्रेशर कम होगा। जब ओनकोटिक प्रेशर कम होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? एडिमा होगा। तो एडिमा में क्या होगा? यहाँ पर लिख सकते हैं वेट गेन। पेशेंट क्या होगा? वेट गेन होगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ था, बाइल जूस क्या था? बाइल जूस कम निकल रहा था। जब बाइल जूस कम निकलेगा तो फैट का क्या होगा? फैट का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और जो स्टूल का कलर होगा वो चेंज होगा, वो होगा क्ले कलर स्टूल। स्टूल का कलर कैसा होगा? क्ले कलर होगा। नेक्स्ट हमने वहाँ पर देखा था बिलरुबिन कम निकल रहा था बॉडी से, और कम जब निकल रहा था तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा था? बॉडी के अंदर जॉन्डिस हो रहा था, और जो थोड़ा सा निकलेगा तो वो किसके अंदर निकलेगा? यूरिन के थ्रू निकलेगा। तो यूरिन का कलर कैसे, वहाँ पर हमने देखा था जॉन्डिस भी हो रहा था, और कलर कैसा होगा यूरिन का? येलो कलर यूरिन। नेक्स्ट
यहाँ पर देखें पेशेंट की जो स्मेल है, जो पेशेंट की स्मेल है वो कैसे मिलेगी, वो बैड, बहुत ही बैड मिलेगी या फ्रूटी स्मेल मिलेगी। यहाँ पर एक और साइनस सिम्पटम आया है जिसका नाम है फीटर हिपेटिकस। हिपेटिकस, फीटर हिपेटिस का मतलब होता है बैड ब्रीथ, बैड ब्रीथ और फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल फ्रॉम पेशेंट माउथ। कैसी स्मेल आएगी, पेशेंट के मुंह से बहुत ही फ्रूटी स्मेल, बहुत ही बैड स्मेल आएगी, दूसरा फ्रूटी स्मेल आएगी। फ्रूटी इसका मतलब होता है सड़े हुए फल के जैसे स्मेल आना, उस तरह से स्मेल आएगी जिसे कहते हैं फीटर हिपेटिकस। नेक्स्ट होता है लिवर, लिवर एट्रैक्सिस। लिवर एट्रैक्सिस का मतलब होता है कि इन्वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ, इन्वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ फिंगर, इन्वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ फिंगर इज नोन एज लिवर हिपेटिकस। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो रहा था बॉडी में। जब अमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा तो पर्टिकुलर जो क्या जो गैंगलियन होते हैं, गैंगलियन अपने ब्रेन के होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, उनका काम डैमेज हो जाएगा। तो अच्छे से वहाँ से मोटर नर्व के फंक्शन और सेंसरी नर्व के फंक्शन जो है अच्छे से नहीं हो पाएंगे, उनको इरेट करती है नर्व को, क्या करती है नर्व को इरिटेट करती है। कौन करता है, अमोनिया, अमोनिया नर्व को इरिटेट करती है, जिसके बाद जिससे क्या होगा इनवॉलेंट्री मोमेंट ऑफ फिंगर, ये क्या होगा लीवर एट्रैक्सिस। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, ये क्या होगा, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के बारे में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेन तीन कॉम्प्लिकेशन आते हैं लीवर सिरोसिस के, मेनली कितने कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तीन कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर होगा पोर्टल हाइपरटेंशन। हमने यहाँ पर देखा था, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ की सेल डिस्ट्रक्शन हो गई, यहाँ की सेल्स क्या हो गई, यहाँ पर नेक्रोसिस हो गया, यहाँ की सेल डैमेज हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से पूरे अपने स्टमक के जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, बात करें यहाँ पर गैस्ट्रिक या स्टमक की बात करें, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन से, ये पैनक्रियास से, और क्या कहते हैं यहाँ से गॉल ब्लैडर से, सिस्टिक वेन से, ये सब के क्या कहते हैं जो वेन है ये कहाँ पर खुली है, सबकी वेन। यहाँ पर बात करें गैस्ट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, और यहाँ पर ये सारी वेन कहाँ पर आकर खुली हैं, ये सारी वेन आकर खुली हैं पोर्टल वेन में। अगर पोर्टल वेन में ये सारी आकर खुली हैं, जब इनका प्रेशर बढ़ेगा, आगे क्या है यहाँ पर स्टॉपेज है, स्टॉपेज का मतलब है सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया है, जिससे कि आगे की ब्लड फ्लो नहीं हो पा रही है या आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर यानी पोर्टल वेन का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल कितना होता है, 5 से 15 होता है, और इसका प्रेशर अगर 40 हो जाए, 40 mmHg हो जाए, तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, और इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे पोर्टल हाइपरटेंशन, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था इसके अंदर गैस्ट्रिक वेन भी ऐड है, जब गैस्ट्रिक वेन ऐड है तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो अपने स्टमक के भी अंदर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, गैस्ट्रिक के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वेन क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो रप्चर होने के कारण जो उसके अंदर क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हिमैटेमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग के साथ ब्लड का आना, हिमैटेमेसिस कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गैस्ट्रिक वेन है, गैस्ट्रिक वेन की जो कुछ ब्रांच होती हैं, जो कि
ये होता है एसोफेगस, एसोफेगस की लोअर साइड को, लोअर साइड को क्या करती हैं ये प्रोवाइड करती हैं, वहाँ से ब्लड को वापस लाती हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह पर। यहाँ कह सकते हैं एसोफेगस के जो लोअर पोर्शन है इसकी कुछ ब्रांच क्या होती हैं वहाँ पर कुछ स्वेलिंग हो सकती है, या वहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन दिख सकता है जिसे कहते हैं वेरिसेस, एसोफेजियल वेरिसेस, एसोफेजियल वेरिसेस, एसोफेजियल वेरिसेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर इसका प्रेशर बढ़ा रहेगा तो लगने वाला प्रेशर स्प्लीन पर भी बढ़ा रहेगा, तो उसके कहेंगे स्प्लीनो मेगाली। और यहाँ पर हमने देखा था क्या था, यहाँ पर एक था सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, एक था इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है ये सप्लाई करती है ये सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहलाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन है ये सारा ब्लड सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाती है, ये लाती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही कौन है, एनस है। वहाँ की वेन अगर डिस्टेंडेड हो जाए तो उसे कहते हैं हीमोरॉयड या पाइल्स। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है किसके अंदर, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर, इसके अंदर देखने को मिल सकता है इंडाइजेशन। ये सारी कंडीशन 1, 2, 3, 4 ये काफ़ी सारी कंडीशन किसके अंदर देखने को मिल सकती है, पोर्टल हाइपरटेंशन की। ये किसका कॉम्प्लिकेशन है, ये है लिवर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो पहला हो गया। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा हिपेटो इंसिफेलोपैथी मिलेगा। कहने का मतलब लीवर क्या नहीं कर पा रहा था, लीवर यूरिया साइकिल नहीं चला पा रहा था। जब लीवर यूरिया साइकिल नहीं चला पा रहा था तो क्या हुआ था, वहाँ पर अमोनिया का कलेक्शन हुआ था। जब अमोनिया का कलेक्शन होगा तो क्या होगा, ये अमोनिया कहाँ पर जाएगी, ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है जो अपनी बॉडी में ब्लड में होते हुए कहाँ पर जाएगा, ब्रेन में जाएगा। जब ब्रेन में जाएगा तो वहाँ की फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, वहाँ की नर्व को इरीटेट करेगा, वहाँ की गैंग्लियन की फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, जिसे क्या कहेंगे, हिपेटोइंसिफेलोपैथी। इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अच्छे से कॉन्शियस नहीं रहेगा। नेक्स्ट मेमोरी लॉस हो सकता है। और जो गेट है, चलने का गेट है, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गेट डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नेक्स्ट स्पीच डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा हेडेक मिलेगा। ये सारी कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलेगी, हिपेटोइंसिफेलोपैथी के अंदर ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये दूसरा हो गया इसका कॉम्प्लिकेशन। और यहाँ पर मिलेगा हैंड फ्लैपिंग ट्रेमर। जो हाथ की जो फिंगर्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें एक्सटेंशन फ्लेक्शन उसमें इनवॉलंटरी ज़्यादा होने लगेगा, तो वो क्या होगा, हैंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या, तीसरा क्या देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा हिपेटोरीनल सिंड्रोम। वही कारण था कि लीवर के अंदर क्या नहीं हो पा रहा था, यूरिया साइकिल नहीं चल पा रही थी। जब यूरिया साइकिल नहीं चल पा रही थी तो जो अमोनिया का लेवल है वो क्या करेगा, वहाँ की ये देखो हिपेटोरीनल सिंड्रोम, ये क्या होगा, अमोनिया का लेवल ज़्यादा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब क्या करेगी, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी, किडनी के नेफ्रॉन को क्या करेगी, डैमेज करेगी। जब किडनी के नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे तो क्या नेफ्रॉन के द्वारा अच्छे से काम किया जा पाएगा, काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, जैसे डिक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, एडिमा पूरी बॉडी में होने लगेगा। नेक्स्ट बिलरुबिन जब इसके बॉडी से जब बाहर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जॉइंडिस, और फिर से इसमें यूरिया क्रिएटिनिन
यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड सबका लेवल किस में है, बॉडी में बढ़ेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें आएगा जो होता है हेपेटोरिनल सिंड्रोम। ये सारे किसके सिंड्रोम है, ये सारे किसके कॉम्प्लिकेशन है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है अपने लीवर सिरोसिस के। तो ये हो गए कॉम्प्लिकेशन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे कि लीवर सिरोसिस को कंफर्म किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या करेंगे, क्या कलेक्ट करेंगे यहाँ पर उस पेशेंट से, क्या पूछना है कि क्या आप वाइन को लेते हो या एल्कोहलिज्म हो, तो उसके बारे में पूछ लेंगे। नेक्स्ट उसके बारे में हिस्ट्री लेनी है, क्या क्या आपको कभी एक्स्ट्रा हिपैटिक बिल्डिंग सिस्टम में कभी ऑब्स्ट्रक्शन था क्या, कभी उसकी या रिपोर्ट देख सकते हैं, या पिछली कभी कोई भी सर्जरी हुई है, कभी अगर वहाँ पर किसी प्रॉब्लम हुई है उसको देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था पोलिडोकोलीलिथियासिस अगर हुई है तो उसको देख लेंगे, कोलीलिथियासिस हुआ है उसको देख लेंगे, या पोस्ट नेक्रोटिक हेपेटाइटिस है, कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन या हेपेटाइटिस हुआ है। सारी हिस्ट्री कलेक्शन यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे USG, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन कराएंगे, MRI, ये सारी कराएंगे। USG में क्या देखने को मिलेगा, मे बी लीवर के अंदर क्या मिलेगा, पैची एरिया देखने, मतलब कि यहाँ पर पैचेस देखने को मिल सकते हैं जो कि नॉर्मली अच्छे से कंफर्म नहीं किया जा सकता क्या ये लीवर सिरोसिस है। इसमें हो सकता है हेपेटाइटिस के पैचेस हों, हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो भी हैं उसके अंदर हो सकता है पैची एरिया देखने को मिले। CT स्कैन MRI करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर ब्लड का इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो CBC के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैनसाइटोपेनिया, कहने का मतलब अनीमिया देखने को मिलेगा। अनीमिया में भी अगर देखें तो यहाँ पर पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है तीनों का लेवल, यानी RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों का लेवल कम मिल सकता है। अब मेनली इसमें देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी प्लेटलेट्स के नंबर यहाँ पर देखने को कम मिलेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर CBC में क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। इसमें बिलरुबिन का लेवल क्या मिलेगा, बढ़ा मिलेगा। इसमें कौन से बिलरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा, इसमें दोनों में से किसी का भी लेवल बढ़ा मिल सकता है या दोनों का लेवल बढ़ा मिल सकता है। नॉर्मल क्या होता है 1.3 to 1.2 mg per dl इतना इसके अंदर मिलेगा। नॉर्मली इससे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगा, नॉर्मली इसमें देखता है SGOT SGPT, जो SGPT होता है उसका लेवल होता है 40 से 58, जो SGOT होता है इसका लेवल होता है 40 to 48, इसका लेवल होता है SGOT का लेवल, ये भी इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लीवर बायोप्सी, ये सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, लीवर बायोप्सी क्या करेंगे, यहाँ से लीवर के एक टुकड़े को काटेंगे, उसके बाद इसको ले जा करके लेबोरेटरी के अंदर इसको स्लाइड बनाकर, यानी इसकी सेल की स्लाइड बनाकर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे। अंडर द माइक्रोस्कोप देखने पर अगर इसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ रही है तो इसको क्या जानेंगे, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे यहाँ पर हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर इसके अंदर यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस का जो साइज है अगर 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ा मिलता है तो उसको क्या कन्फर्म करेंगे, कार्सिनोमा। अगर उस सेल के अंदर यानी जो सेल बायोप्सी यानी बायोप्सी में अगर क्या मिले, अगर वहाँ पर सेल डेथ विथ
स्कार फॉर्मेशन। अगर उस बायोप्सी में जब हम चेक करा रहे हैं उस टाइम अगर उसके अंदर सेल डेथ मिले और वहाँ पर कुछ स्कार का फॉर्मेशन हो तो वहाँ पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो क्या हुआ है, लीवर सिरोसिस हुआ है। नॉर्मली हमने देखा यूएससी सीटी स्कैन एमआरआई सीबीसी, यहाँ पर एलएफटी कराने पर बिलरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा, एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल ज़्यादा मिलेगा। लीवर बायोप्सी सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट है जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि ये हीपेटाइटिस है या लीवर का कार्सिनोमा है या इसके अंदर लीवर सिरोसिस हुआ है। जब भी यहाँ पर बायोप्सी का सैंपल लेते हैं, बायोप्सी करते हैं लीवर बायोप्सी, उस टाइम जो पोजीशन रहती है या तो सुपाइन पोजीशन रहती है या पर क्या हो सकती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो सकती है। और ये कब हो सकती है, जब एट द टाइम ऑफ बायोप्सी, जब बायोप्सी लेते हैं उसके बाद आफ्टर बायोप्सी लेने के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, वो देते हैं राइट लेटरल पोजीशन देंगे। इसलिए देंगे कि राइट साइड में सबसे बड़ा लोब होता है, वहाँ के टुकड़े को अगर निकाला जाएगा, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, तो पर्टिकुलर उस एरिया में उसको कंप्रेस रखना है ताकि ब्लीडिंग ना हो, इसलिए राइट लेटरल पोजीशन को देते हैं ताकि पर्टिकुलर उस एरिया में क्या ना हो, ब्लीडिंग ना हो, इसलिए राइट लेटरल पोजीशन देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेस्ट करा सकते हैं, यहाँ पर अगर ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, अगर बिलरी सिस्टम में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको विजुलाइजेशन करने के लिए पर्टिकुलर इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होता है, माउथ के द्वारा एक कैथेटर को, कैमरा लोडेड कैथेटर को इंसर्ट कराया जा सकता है या कराया जाता है, और वो कहाँ तक, बिलरी सिस्टम तक लाया जाता है, जिसमें पर्टिकुलर कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट को चेक किया जाता है और कॉमन बाइल डक्ट को, पैनक्रियाटिक डक्ट को, सिस्टिक डक्ट को, और यहाँ पर हिपेटिक डक्ट को पर्टिकुलर इसका विजुलाइजेशन किया जा सकता है। अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके द्वारा मालूम किया जा सकता है। अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्लोटिंग टाइम बढ़ा मिलेगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज मिलेगा। अब PTINR दोनों ये क्या मिलेगा, बढ़ा मिलेगा। तो इसके अंदर ये सारी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करा सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ देख करके हम क्या करा सकते हैं, उस पर्टिकुलर पेशेंट को हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, लीवर सिरोसिस हुआ है। और उसके बाद ये सारी चीज़ कंफर्म करने के बाद हम पता लगा सकते हैं। मैंने डिस्कस कर लिया डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट में, क्या मैनेजमेंट इसका करेंगे। अगर पर्टिकुलर किसी पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस हो गया तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट हमने देखा था ये कौन सी कंडीशन है, ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। कैसी है, इरिवर्सिबल कंडीशन। अगर इरिवर्सिबल कंडीशन है तो क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट किया जा सकता है। सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट के में अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे उसके अंदर हमने देखा था पर्टिकुलर पेशेंट क्या हुआ था, उसके अंदर हुआ था जो फ्लूड का कलेक्शन है, उसके अंदर फ्लूड का कलेक्शन हो गया था, यानी एडिमा हो गया था, एडिमा को दूर करने के लिए पर्टिकुलर कुछ प्रोसीजर अपनाएंगे। अगर मान लीजिए वही फ्लूड का कलेक्शन अगर किसके में होगा, पेरिटोनियम कैविटी में हो गया, अगर फ्लूड का कलेक्शन पेरिटोनियम में कैविटी में हो गया तो उसको करेंगे पैरासिंटेसिस मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अबडोमिनल कैविटी, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था इसके अंदर पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर हमें क्या देना है, उसको माउथ से कुछ, नथिंग बाय माउथ
उसको माउथ से कुछ नहीं देना है, क्यों? क्योंकि हमें लीवर से काम नहीं करवाना है। जब हम माउथ से कुछ देंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर लीवर स्टिमुलेट होगा, जब लीवर काम करेगा तो क्या होगा, फर्दर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेंगे, तो हमें माउथ से कुछ नहीं देना है। नहीं तो अगर हम कुछ भी देंगे तो क्या होगा, वहाँ से बाइल का सिक्रेशन होगा, तो आगे क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात करें, मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड आईवी फ्लूड को देना है, ओरली कुछ नहीं देना है, तो आईवी फ्लूड तो देना ही पड़ेगा कम से कम, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए, उसको लाइव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आईवी फ्लूड देना पड़ेगा। नेक्स्ट, उस पेशेंट को क्या करना है, अगर वहाँ पर हमने देखा था उसमें क्या था, उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर थे, क्लोटिंग फैक्टर वहाँ पर कमी हो गई, तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने के, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या देंगे, कोगुलेंट में दे सकते हैं, ट्रेनेक्सा, जो कि ट्रेनेक्सा क्या है, कोगुलेंट है, उसको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटामाइन सल्फेट ये भी क्या है, कोगुलेंट है, विटामिन के इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, लीवर के द्वारा क्या नहीं बनाया जा रहा है, लीवर के द्वारा विटामिन के का सिंथेसिस नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमें विटामिन के इंजेक्टेबल देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम दे सकते हैं, हमने देखा था कि वहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन कमी थी, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये सारी चीज़ कमी थी, तो वहाँ पर क्या दे सकते हैं, आरडीपी और एसडीपी। अगर उसके अंदर एनीमिया, या कहने का मतलब उसके अंदर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसको एसडीपी आरडीपी दे सकते हैं। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यहाँ पर प्लेटलेट्स की कमी हो गई थी, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर लीवर के अंदर से कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा था, थ्रोम्बोपोइटिन का क्या नहीं हो रहा था, यहाँ से लीवर के द्वारा सिक्रेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, आरडीपी एसटीपी उस पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट, पैरासेंटेसिस, उसके अंदर से क्या हुआ था, फ्लूड का हमने देखा था इसके पहले क्या हुआ था, यहाँ पर एल्बुमिन की कमी थी, एल्बुमिन की कमी होने के कारण क्या था, जो पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ था, इसलिए जो अब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर अगर फ्लूड का कलेक्शन हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पर एसाइटिस हो सकता है, क्या हो सकता है, एसाइटिस, इस फ्लूड को यहाँ लिख सकते हैं, रिंगुला फ्लूड लिख सकते हैं, फ्लूड को निकलने के लिए पर्टिकुलर एक प्रोसीजर अपनाया जाता है जिसे कहते हैं पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लूड फ्रॉम अब्डोमिनल कैविटी। तो ये क्या होगा, जब इसको निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पर्टिकुलर एडिमा कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी का एडिमा कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर दे सकते हैं एल्बुमिन इंजेक्टेबल फॉर्म में, इंजेक्शन से एल्बुमिन दे सकते हैं, जिससे कि ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन हो जाए और जितना भी उसके अंदर पर्टिकुलर एडिमा हुआ है वो सही हो जाए, तो यहाँ पर एल्बुमिन दे सकते हैं इंजेक्टेबल। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर पेशेंट को डेवलप हो गया है हिपेटोइंसेफेलोपैथी, अगर पर्टिकुलर किसी भी पेशेंट को हिपेटोइंसेफेलोपैथी डेवलप हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस पेशेंट को एडवाइस देना है कि आप प्रोटीन फ्री डाइट लो। नेक्स्ट, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं कॉमना सेलिज में या सहजीवी, नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए क्या देंगे, नियोमाइसिन, यहाँ पर दे सकते हैं लैक्टुलोज को क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, अमोनिया को किस में चेंज करने के लिए, अमोनियम, जो कि ब्लड में ये डिजॉल्व नहीं होती है, अमोनिया को अमोनियम में चेंज करने के लिए लैक्टुलोज दे देंगे। अगर पेशेंट को, और पेशेंट क्या करना है, और उसको एडवाइस करनी है कि लो फैट डाइट ले। नेक्स्ट, अगर पेशेंट कोई भी मेडिसिन लेता है, मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो मेडिसिन हो सकती है हिपेटोटॉक्सिक, तो अवॉइड टेकिंग मेडिसिन विदाउट
डॉक्टर परमिशन, बिना डॉक्टर की एडवाइस से या परमिशन से कोई भी पेशेंट वह पेशेंट मेडिसिन नहीं ले सकता है। अगर हिपेटोटॉक्सिक मेडिसिन होगी तो ज़्यादा नुकसान करेंगी, और उसको क्या बोलना है, अवॉइड फॉर क्या बोलना है, अल्कोहल। उस पेशेंट को बोलना है कि अल्कोहल, एक बूंद भी अल्कोहल आपके लिए जहर के समान है, तो आपको क्या नहीं लेना है, यहाँ पर अल्कोहल कंप्लीटली बंद कर देना है। ये सारे मैनेजमेंट हो गए, इसमें स्पेशल मैनेजमेंट कोई नहीं है। एक लास्ट में मैनेजमेंट है जिसको सर्जिकल मैनेजमेंट में एक सिर्फ एक ही चीज़ करा सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ करा सकते हैं, और कोई भी इसके अलावा कोई भी इसके लिए उपचार नहीं है। ये सारी सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, इसमें क्योंकि इरिवर्सिबल है, अब ये सही नहीं हो सकता। सिर्फ इसको सिम्टम्स को दूर करने के लिए नॉर्मली जितनी मेडिसिन दे यहाँ पर लिखी गई है वो है। नॉर्मली क्या हुआ था, नॉर्मली देखा था कि एडिमा हो रहा था, उसके लिए एल्बुमिन दे दी, ऑनकोटिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पर कलेक्शन हो गया था फ्लूड अब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पैरासेंथेसिस करके उसको निकाल दिया गया। ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर हमने दे दिया प्रोटामिन सल्फेट, टेनेक्सा, और यहाँ पर विटामिन के दे दिया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दिया, और एसटीपी आरडीपी हमने दे दी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, अगर इंसेफेलोपैथी हो गई तो वहाँ पर क्या देना है, प्रोटीन फ्री डाइट देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, उसका ब्रेड बेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस बेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसमें अमोनिया होता है। अमोनिया को कम करने के लिए अपनी बॉडी में हमने प्रोटीन फ्री डाइट दे दी, लैक्टुलोज का दे दिया जो कि अमोनिया का अमोनियम में चेंज करके बॉडी से बाहर एक्सिट कर देता है। लो फैट डाइट दे दी, लो फैट डाइट से क्या होता है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के अंदर लो फैट डाइट देने से लीवर से निकलने वाला जो बाइल है उसको कम काम करना पड़ेगा, जब कम काम करना पड़ेगा तो पेशेंट रिलैक्स फील करेगा। इसके अंदर लो फैट दे देते हैं, और एडवाइस कर दे कि आप बिना किसी भी ऐसी दवाई कोई नहीं लेंगे जिससे कि जो कि हिपेटोटॉक्सिक हो, और नेक्स्ट उसको बताना है कि आप अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेंगे। और लास्ट में क्या करना है, अगर फिर भी सबसाइड कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं तो सिर्फ व सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें, लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर देना है, और इसके अलावा इसमें कोई उपचार नहीं है। हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ ली, यानी स्टार्टिंग से लेकर, कहने का मतलब डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक जितने भी एस्पेक्ट लिवर चिरोसिस के थे हमने सबके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया होगा आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के